नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 29,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य अपडेट न्यूज में। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना स्कीम जारी कर दिया गया है, यानी पर जो 22/9/2021 से इनका जो एग्ज़ाम प्रोग्राम है उसकी पूरी कैलेंडर है। ये यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग सर्विस से शुरू होकर के ये पूरी लिस्ट जो है, लगभग 24 एग्ज़ाम है इनका। कुछ एग्ज़ाम तो ऐसे भी है जैसे सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, ये 5 डे का है इनका। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 10 दिन का है और कई 1 डे एग्ज़ाम है इसमें। ये पूरी कैलेंडर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आज इनका 2021 और 2022 का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कुल एग्ज़ाम की संख्या देखें, 24 एग्ज़ाम है इसमें। वहीं 1 सितंबर को सभी कला और सामाजिक विज्ञान के जो छात्र छात्राएं अवश्य पहुंचे आंदोलन में, प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर जो 2016 चयन लिस्ट जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र के लिए और रिपोर्ट पर कार्यवाही कर सकते हैं शिक्षा प्राधिकारी। ये कोर्ट की टिप्पणी है कि JD को शिक्षक नियुक्ति के अनुमोदन का अधिकार नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। आज इनका आंदोलन है 2016 नियुक्ति पत्र के लिए सामाजिक विज्ञान और कला के अभ्यर्थियों का। यहाँ पे देखिए, 1 सितंबर को 11 बजे बालसन और प्रयागराज में रोजगार आंदोलन का आगाज हो रहा है, जरूर आए। यहाँ पर देखिए, ये अभ्यर्थियों की भीड़ है। 69,000 की बात करें तो 69,000 उत्तर कुंजी मामले में आदेश आज भी नहीं आ पाया है। 25 अगस्त को सुनवाई के बाद ही चीफ जस्टिस लगातार 3 दिन की छुट्टी, जिसमें जन्माष्टमी भी थे, होने के कारण अपने घर राजस्थान चले गए थे। आज भी चीफ जस्टिस नहीं है, इस कारण उनकी बेंच नहीं बैठी। ऑर्डर अपलोड ना होने का मुख्य कारण चीफ जस्टिस का ऑर्डर जो है साइन ना होना है। कल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आएंगे तो हम आपको सूचित करेंगे। चीफ जस्टिस भंडारी जी अब तक राजस्थान से नहीं आएंगे, तब तक आदेश की यूँ ही प्रतीक्षा होती रहेगी, कल का इंतजार करें। कल की स्थिति से हम शाम को अवगत कराएंगे। लिखा कि अगर कल चीफ की कोर्ट बैठी तो निश्चित रूप से कल आने वाले दिनों में आदेश आ जाएगा। ये विनय पांडे एडवोकेट, इनकी ओर से जारी किए गए संदेश। बता दें कि GIC के लिए नहीं, बल्कि जो एग्जाम 26 सितंबर को होना है वह प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज का है। साफ साफ लिखा है कि पूर्व में जारी आयोग के कैलेंडर से अतिरिक्त डेट है। GIC प्रवक्ता, जिसमें हिंदी प्रवक्ता का पद भी शामिल, अभी भी उसी डेट यानी 19 सितंबर को ही होगी, भ्रमित होने से बचें। तो ये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या जो 167/14 यहाँ पे 2020 दिनांक 10 जून 2021 को घोषित परीक्षा कैलेंडर के अतिरिक्त प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 विज्ञापन का है। ये भर्ती इसलिए भ्रमित हो गए क्योंकि GIC का 19 का है, लोगों ने सोचा कि डेट 25 का दे, लेकिन वो अलग है आश्रम पद्धति का। ये देखिए, यहाँ पर लखनऊ में प्रदर्शन 22,000 को लेकर के लगातार जारी है। आरक्षण वाले भी लखनऊ को गार्डन में हो रहे हैं, प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने की अपील कर रहे हैं। ये माध्यमिक शिक्षा पर प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, जो कि मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। 6 सितंबर को महा आंदोलन रखा गया है, अगर आरक्षण पर कोई उचित निर्णय न लिया गया। ये हैं लखनऊ में जहां अभ्यर्थियों की भारी संख्या है। बात करते हैं आज की न्यूज़ की, तो रीवा में महिला सरपंच के पास 11 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, 4 ठिकानों पर लोकायुक्त के छापे, आलीशान बंगले मिले। और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए 6 को घेरेंगे विधान भवन, 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण में अनियमितता का लगाया आरोप, OBC SC संगठित मोर्चा ने किया ऐलान। बात करें सीटेट नोटिफिकेशन पर, तो जल्द जारी होगा सीटेट नोटिफिकेशन। बदले रूप में होगा सीटेट, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। CBSE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET का नोटिफिकेशन सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं होने से स्टूडेंट परेशान है। CBSE ने कहा है कि CTET 2021 का आयोजन दिसंबर में किया जा सकता है, इस बार परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। सीटेट के लिए लगातार बोर्ड की वेबसाइट पर नज़र रखने को कहा है। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा है कि बदला हुआ पैटर्न व मॉडल प्रश्न जल्दी CBSE की ओर से जारी कर दिया जाएगा। कॉलेज आवंटन के लिए सत्याग्रह लगातार जारी है भर्तियों का, शिक्षक की जांच में बाध्यकारी नहीं है मंडलायुक्त का आदेश। और 69,000 शिक्षक भर्ती की चौथी सूची के लिए प्रदर्शन, परसदी प्राथमिक स्कूल में 69,000 भर्ती के तहत चौथी सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भर्ती का कहना है कि तीसरी काउंसलिंग के बावजूद करीब 1,000 पद रिक्त है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा था, जब तक सीटें नहीं भर जाती काउंसलिंग कराएंगे।
जून अंत में तीसरी काउंसलिंग के 2 महीने बाद भी चौथी सूची जारी नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों ने सचिव प्रताप सिंह बघेल को ज्ञापन सौंपा जिसमें अमित कुमार, रविंद्र पंकज आदि शामिल थे। अंक सुधार परीक्षा को 89,000 ने भरा फॉर्म। आज 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे, ये रहा उन्हें 2 साल बाद स्कूल खुलने का फैसला। 8 साल में साक्षात्कार की तारीख तक तय नहीं हो पाई है। प्रधानाचार्य भर्ती एडेड कॉलेज के प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का है मामला। हाईकोर्ट ने मई तक इंटरव्यू कराने को कहा है। 69,000 में चयनित शिक्षकों को जल्द काउंसलिंग कराने के बाद स्कूल आवंटन का जो इंतजार कर रहे हैं उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। तो प्रसिद्ध स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की पहली दूसरी काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल का आवंटन जल्द किया जाएगा। परिषद के सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्रयागराज को मिलेगी 3 और वंदे भारत ट्रेन। और पाठ्यक्रम के फ्रेम में APS के नए पदों पर भर्ती अटकी हुई है। 2013 की APS निरस्त होने के बाद ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों का भविष्य भी संकट में है। शासन स्तर पर 1 साल से फंसा हुआ है पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव। बेसिक शिक्षा निदेशक सवेंद्र विक्रम सर को मिला 1 वर्ष का सेवा विस्तार। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सवेंद्र विक्रम सिंह को प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया। वहीं साक्षरता निदेशक संजय सिन्हा करीब 33 वर्ष की सेवा के बाद मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। सवेंद्र विक्रम सिंह की सेवानिवृत्ति 31 अगस्त को प्रस्तावित थी। सरकार ने सवेंद्र विक्रम सिंह को मई 2017 में बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया था। सिंह के बतौर निदेशक कार्यकाल में स्कूलों में नामांकन में करीब 40 लाख विद्यार्थियों की वृद्धि हुई। वहीं ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों का कायाकल्प भी तेजी से हुआ। ईमानदार अधिकारी की छवि होने के कारण शासन की ओर से सिंह को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया था। मुख्यमंत्री ने उनका सेवा विस्तार मंजूर कर लिया। 6 माह से नहीं मिला है मानदेय। संघ ने सौंपा ज्ञापन। फर्जी मार्कशीट पर नियुक्त अध्यापक ने मांगा वेतन, कोर्ट ने लगाया हर्जाना। हाईकोर्ट ने अध्यापक को 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया। फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र पर सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहे अध्यापक पर हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। अध्यापक ने वेतन भुगतान खाते देने की मांग पर याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा फर्जी मार्कशीट व प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापक को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। याचिक अध्यापक को हर्जाना 1 माह में जमा करने का निर्देश दिया। जमा न करने पर जिलाधिकारी राजस्व प्रक्रिया से वसूली करेंगे। तो जिलाधिकारी जो हैं ये राजस्व प्रक्रिया से वसूली करेंगे। कोर्ट ने कहा याची के पिता BSC कार्यालय संत कबीर नगर में लिपिक थे। फर्जी अंक पत्र व फर्जी TT प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की जानकारी उस समय के BSC महेंद्र प्रताप सिंह को भी थी। विद्यालय प्रबंध समिति से नियुक्ति करवाकर BSC से उसका अनुमोदन भी करा लिया। शिकायत मिलने पर जांच बैठाएगी, वेतन भुगतान रोक दिए गए। कोर्ट ने राज्य सरकार को BSC रहे महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ तुरंत विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने पंडित दीनदयाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिटिया बिलहर संत कबीर नगर के सहायक अध्यापक मंजुल कुमार की याचिका पर दिया। कोर्ट ने आदेश पर सहायक निदेशक बेसिक पवित्र जिलाधिकारी शिक्षा संत कबीर नगर पेश हुए। हलफनामा दाखिल बताया कि याचिका की नियुक्ति 15 मार्च 2016 को हुई थी। 17 जुलाई 2016 को ज्वाइनिंग किया। शिकायत 7 अप्रैल 2017 को जांच बैठाई। वेतन रोका गया, अब धोखाधड़ी का होगा मुकदमा। कोई भी खिलाड़ी पेशेज कर सकता है। और यूपी में 5 नए आश्रम पद्धति विद्यालय बनेंगे। यूपी बोर्ड के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बुलाने की है तैयारी। और नहीं करना चाहिए 2 से 3 महीने का इंतजार, तीसरी लहर के मिल रहे हैं संकेत। आज ही रेंज में बने शिक्षक पार्क में लगेगी पाठशाला। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ झाड़ू लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, वहीं दरोगा भर्ती के 2486 अभ्यर्थियों को 1 साल से ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिल रही नियुक्ति। जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए 6 को घेरेंगे विधान भवन। तो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने 6 सितंबर को विधान भवन के घेराव का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों का आंदोलन कई दलों ने समर्थन कर दिया है। OBC संगठित मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी 73 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर के इनका प्रदर्शन लखनऊ इको गार्डन में जारी है। तो 69,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनियमितता की बात कही जा रही है, जिससे पिछले वर्ग के अभ्यर्थी का आरक्षण लाभ पाने से वंचित हो गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दी, लेकिन सुधार नहीं किया जा रहा है। मोर्चा के अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि आंदोलन को भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने अपना समर्थन कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस भी इसमें समर्थन में आ गई है। अब व्हाट्सएप पर भी पाएँ आप वैक्सीनेशन सलाह। और PT की उत्तर कुंजी की गई है अपलोड। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 9 जजों ने एक साथ लिया शपथ। 3 महिला को भी बनाया गया न्यायाधीश। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हुई 33, तो कुल स्वीकृत पदों की संख्या 34, अब जज सहित 33 लोग हैं। रिजिजू ने नए जजों को दी बधाई।
तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के नए जजों को बधाई दी। कहा कि यह लैंगिक प्रतिनिधित्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने ट्वीट किया कि उच्चतम न्यायालय के सभी 9 सदस्यों को बधाई। और ये रहा 29,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग में अर्हता पाए जाने के उपरांत आवंटन नहीं होने से संबंधित, तो यहाँ पे सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है।